नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टॉरेंट तरुजा। आई होप आप सब ठीक है। टॉरेंट तरुजा में आपका स्वागत है। तो आज एक वेज स्टार्टर वैरायटी लेकर आ गई हूँ यमीज के तरफ से, रेडी टू कुक है। तो यमीज का ये वेज रेंज है जहाँ पे वेज पिज्जा पॉकेट्स बताया गया है। 340 ग्राम्स है, 9 पीसेस है। उसको डीप फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं। तो उसका इंस्ट्रक्शंस पूरा यहाँ पे दिया है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी है, यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं जो डाइट कॉन्शियस है। तो ये जो इसका शेल्फ लाइफ है वो है 1 ईयर का। ये एक फ्रोजन प्रोडक्ट है, तो आपको जब भी ये बनाना है आपको थॉ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फ्रीजर से निकालो और उसको फ्राई करने रख दो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ उसका पैकेट ओपन करके। तो यहाँ पे अच्छे से पैक किया आता है। द बेस्ट पार्ट इज कि इसका जो ट्रे है ना, इसमें इंडिविजुअल सेक्शन है एक एक पिज्जा पॉकेट्स के लिए। तो क्योंकि मैदा है स्टिक नहीं होता उस वजह से। तो सेकंड जो प्रोडक्ट है ये है वेज रेंज ऑफ क्रिस्पी तंदूरी पनीर नगेट्स। तो एक ही वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, सो दैट जो भी वेज कुछ ट्राई करना चाहता है आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका तरीका है, एक शालो फ्राई है, एक डीप फ्राई है और एक एयर फ्राई है। ये 300 ग्राम्स का है, 225 रुपीज, 1 ईयर शेल्फ लाइफ है इसका। ये भी फ्रोजन है, तो आपको जब भी ये कुक करना रहेगा आप बस फ्रीजर से निकालिए। तो इसमें भी 9 पीसेस है एंड ये इसका जो अंदर का फिलिंग है वो है पनीर के ऐसे ब्लॉक्स है, उसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स दिया है। दोनों ही काफी अच्छा है टेस्ट में, आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल टॉरेंट तरुजा। सी यू सून अगेन, टेक केयर, बाय बाय।